व्यवहार के वाक्य पौरुष, दंड पारुष, साहस, विक्रिया संप्रादान, स्वयंभुयम संपुत्थान, स्तय, स्त्री संग्रहण तथा प्रकीर्णक, इन विवादास्पद विषयों पर विचार। वाक्पारुष, अब वाक्पारुष कठोर गाली देने आदि के विषय में विचार किया जाता है। इसका लक्षण नारद जी ने इस प्रकार बताया है। देश, जाति और कुल आदि को कोसते हुए उनके संबंध में जो अश्लील और प्रतिकूल अर्थ वाली बात कही जाती है उसको वाक्पारुष कहते हैं। प्रतिकूल अर्थ वाली से तात्पर्य है उद्वेगजनक वाक्य से, जैसे कोई कहे गौड़ देश वाले बड़े झगड़ालू होते हैं तो ये देश पर आक्षेप हुआ, ब्राह्मण बड़े लालची होते हैं ये जाति पर आक्षेप हुआ, तथा विश्वामित्रीय गोत्रीय बड़े क्रूर चरित्र वाले होते हैं ये कुल पर आक्षेप हुआ। ये वाक्पारुष तीन प्रकार का होता है, निष्ठुर, अश्लील और तीव्र। इनका दंड भी उत्तरोत्तर भारी होता है। अपेक्ष युक्त वचन को निष्ठुर कहते हैं, जिसमें अभद्र बात कही जाए वो अश्लील है और जिससे किसी पर पातकी होने का आरोप हो वो वाक्य तीव्र है। जैसे किसी ने कहा तू मूर्ख है, मौगढ़ है, तुझे धिक्कार है, ये सापेक्ष वचन निष्ठुर की कोटि में आता है। किसी की मां बहन के लिए गाली निकालना अश्लील है और किसी को यह कहना कि तू शराबी है, गुरुपत्नी गामी है, ऐसा कटु वचन तीव्र कहा गया है। इस तरह वाक्पारुष के अपराधों पर दंड विधान कैसे किया जाता है इसी का यहां विचार है। जो न्यूनांग, लंगड़े लूले आदि हैं, न्यूनेन्द्रिय, अंधे बहरे आदि हैं, तथा जो रोगी, दूषित चर्म वाले, कोढ़ी आदि हैं, उन पर सत्य वचन, असत्य वचन अथवा अन्यथा स्तुति के द्वारा कोई आक्षेप करे तो राजा उस पर 12.5 पण दंड लगाए। इन महोदय की दोनों आंखें नहीं है इसलिए लोग इन्हें अंधा कहते हैं। ये सत्य वचन द्वारा आक्षेप हुआ, इनकी आंखें तो सही सलामत है फिर भी लोग इन्हें अंधा कहते हैं। ये असत्य वचन द्वारा आक्षेप हुआ, तुम विकृताकार होने से ही दर्शनीय हो गए हो, ये अन्यथा स्तुति है। जो मनुष्य किसी पर आक्षेप करते हुए इस प्रकार कहे कि मैं तेरी बहन से, तेरी माँ से समागम करूंगा तो राजा उस पर 25 पण का अर्थदंड लगाए। यदि गाली देने वाले की अपेक्षा गाली पाने वाला अधम है तो उसको गाली देने के अपराध में श्रेष्ठ पुरुष पर उक्त दंड का आधा लगेगा, तथा पराई स्त्री एवं उच्च जाति वाले को अधम के द्वारा गाली दी गई हो तो उसके ऊपर पूर्वोक्त दंड दुगुना लगाया जाए। वर्ण और जाति की लघुता और श्रेष्ठता को देखकर राजा दंड की व्यवस्था करे। वर्णों के प्रातिलोम्यपावाद में अर्थात निम्न वर्ग के पुरुष द्वारा उच्च वर्ण के पुरुष पर आक्षेप किए जाने पर दुगुने और तिगुने दंड का विधान है। जैसे ब्राह्मण को कटु वचन सुनाने वाले क्षत्रिय पर पूर्वोक्त द्विगुण दंड 50 पण से दुगुने दंड 100 पण लगाए जाने चाहिए, तथा वही अपराध करने वाले वैश्य पर तिगुने अर्थात 150 पण दंड लगने चाहिए। इसी तरह अनुलोप्यमवाद में अर्थात उच्च वर्ण द्वारा हीन वर्ण के मनुष्य पर आक्षेप किए जाने पर क्रमशः आधे आधे दंड की कमी हो जाती है। अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय पर आक्रोश करे तो 50 पण दंड दे, वैश्य पर करे तो 25 पण, और यदि शूद्र पर करे तो 12.5 पण दंड दे। यदि कोई मनुष्य वाणी द्वारा दूसरों को इस प्रकार धमकावे कि मैं तुम्हारी बांह उखाड़ दूंगा, गर्दन मरोड़ दूंगा, आंखें फोड़ दूंगा और जांघ तोड़ दूंगा तो राजा उस पर 100 पण का दंड लगावे, और जो पैर, नाक, कान और हाथ आदि तोड़ने को कहे उस पर 50 पण का दंड लागू करे। यदि असमर्थ मनुष्य ऐसा कहे तो राजा उस पर 10 पण दंड लगावे, और समर्थ मनुष्य असमर्थ को ऐसा कहे तो उससे पूर्वोक्त 100 पण दंड वसूल करे। साथ ही असमर्थ मनुष्य की रक्षा के लिए उससे कोई प्रतिभू, जमानतदार भी मांगे, किसी को पतित सिद्ध करने के लिए आक्षेप करने वाले मनुष्य को मध्यम साहस का दंड देना चाहिए, तथा उपपातक का मिथ्या आरोप करने वाले पर प्रथम साहस का दंड लगाना चाहिए। वेद विद्या संपन्न ब्राह्मण, राजा अथवा देवता की निंदा करने वाले को उत्तम साहस, जातियों के संघ की निंदा करने वाले को मध्यम साहस, और ग्राम या देश की निंदा करने वाले को प्रथम साहस का दंड देना चाहिए। दंड पौरुष, अब दंड पौरुष प्रस्तुत किया जाता है। नारद जी के कथनानुसार उसका स्वरूप इस प्रकार है। दूसरों के शरीर पर अथवा उसके स्थावर जंगम वस्तुओं पर हाथ, पैर, वस्त्र, शस्त्र तथा पत्थर आदि से जो चोट पहुंचाई जाती है, तथा राख, धूल और मलमूत्र आदि फेंक कर उसके मन में दुख उत्पन्न किया जाता है, ये दोनों ही प्रकार का व्यवहार दंड पौरुष कहलाता है। उसके तीन कारण बताए जाते हैं, अवगोरण, मारने के लिए उद्योग, निसंग पातन, निष्ठुरता पूर्वक नीचे गिरा देना, और शत दर्शन, रक्त निकाल देना। इन तीनों के द्वारा हीन द्रव्य पर, मध्यम द्रव्य पर और उत्तम द्रव्य पर जो आक्रमण होता है
उसको दृष्टि में रखकर दंड पारुष्य के तीन भेद किए जाते हैं। दंड पारुष्य का निर्णय करके उसके लिए अपराधी को दंड दिया जाता है। उसके स्वरूप में संदेह होने पर निर्णय के कारण बता रहे हैं। यदि कोई मनुष्य राजा के पास आकर इस आशय का अभियोग पत्र दे कि अमुक व्यक्ति ने एकांत स्थान में मुझे मारा है, तो राजा इस कार्य में चिन्हों से, युक्तियों से, आशय, जनप्रवाद से तथा दिव्य प्रमाण से निश्चय करे। अभियोग लगाने वाले ने अपने शरीर पर घाव का कपट पूर्व चिन्ह तो नहीं बना लिया है। इस संदेह के कारण उसका परीक्षण छानबीन आवश्यक है। दूसरे के ऊपर राख, कीचड़ या धूल फेंकने वाले पर दस्पण और अपवित्र वस्तु या थूक डालने वाले अथवा अपने पैर की एड़ी छुआ देने वाले पर राजा 20 पण दंड लगाए। ये दंड समान वर्ण वालों के प्रति ऐसा अपराध करने वालों के लिए ही बताया गया है। पराई स्त्रियों और अपने से उत्तम वर्ण वाले पुरुषों के प्रति पूर्वोक्त व्यवहार करने पर मनुष्य दुगुने दंड का भागी होता है, और अपने से हीन वर्ण वालों के प्रति ऐसा व्यवहार करने पर मनुष्य आधा दंड पाने का अधिकारी होता है। यदि कोई मोह एवं मद के वशीभूत नशे में होकर ऐसा अपराध कर बैठे तो उसे दंड नहीं देना चाहिए। ब्राह्मणेतर मनुष्य अपने जिस अंग से ब्राह्मण को पीड़ा दे, मारे पीटे, उसका वो अंग छेदन कर देने योग्य है। ब्राह्मण के वध के लिए शस्त्र उठा लेने पर उस पुरुष को प्रथम साहस का दंड मिलना चाहिए। यदि उसने मारने की इच्छा से शस्त्र आदि का स्पर्श मात्र किया हो तो उसे प्रथम साहस के आधे दंड से दंडित करना चाहिए। अपने समान जाति वाले मनुष्य को मारने के लिए हाथ उठाने वाले को 10 पण, लात उठाने वाले को 20 पण और एक दूसरे के वध के लिए शस्त्र उठाने पर सभी वर्ण के लोगों को मध्यम साहस का दंड देना चाहिए। किसी के पैर, केश, वस्त्र और हाथ, इनमें से कोई सा भी पकड़कर खींचने या झटका देने पर अपराधी को 10 पण का दंड लगावें। इसी तरह दूसरे को कपड़े में लपेटकर जोर जोर से दबाने, घसीटने और पैरों से आघात करने पर आक्रामक से 100 पण वसूल करें। जो किसी पर लाठी आदि से ऐसा प्रहार करे कि उसे दुख तो हो किंतु शरीर से रक्त न निकले, तो उस मनुष्य पर 32 पण दंड लगावे। यदि उस प्रहार से रक्त निकल आवे तो अपराधी पर इससे दूना 64 पण दंड लगाना चाहिए। किसी के हाथ, पांव अथवा दांत तोड़ने वाले, नाक, कान काटने वाले, घाव को कुचल देने वाले या मारकर मृतक तुल्य बना देने वाले पर मध्यम साहस 500 पण का दंड लगाया जाए। किसी की चेष्टा, भोजन या वाणी को रोकने वाले आंख, जिह्वा आदि को फोड़ने या छेदने वाले का कंधा, भुजा और जांघ तोड़ने वाले को भी मध्यम साहस का दंड देना चाहिए। यदि बहुत से मनुष्य मिलकर एक मनुष्य का अंग भंग करें तो जिस अपराध के लिए जो जो दंड बताया गया है उससे दूना दंड प्रत्येक को दें। परस्पर कलह होते समय जिसने जिसकी जो वस्तु हड़प ली हो, राजा की आज्ञा से उसे उसकी वो वस्तु लौटा देनी होगी, और अपहरण के अपराध में उस अपहृत वस्तु के मूल्य से दूना दंड राजा के लिए देना होगा। जो मनुष्य किसी पर प्रहार करके उसे घायल कर दे, वो उसके घाव भरने और स्वस्थ होने तक औषध, पथ्य एवं चिकित्सा में जितना व्यय हो उसका भार वहन करें। साथ ही जिस कला के लिए जो दंड बताया गया है उतना अर्थदंड भी चुकाए। नाव से लोगों को पार उतारने वाला नाविक यदि स्थल मार्ग का शुल्क ग्रहण करता है तो उस पर 10 पण दंड लगाना चाहिए। यदि यजमान के पास वैभव हो और पड़ोस में विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण बसते हों तो श्राद्ध आदि में उसको निमंत्रण देने पर उस यजमान पर भी वही दंड लगाना चाहिए। किसी की दीवार पर मुद्गर आदि से आघात करने वाले पर 5 पण, उसे विदीर्ण करने वाले पर 10 पण तथा उसको फोड़ने या दो टूक करने वाले पर 20 पण दंड लगाया जाए, और वो दीवार गिरा देने वाले से 35 पण दंड वसूल किया जाए। साथ ही उस दीवार के मालिक को नए सिरे से दीवार बनाने का व्यय उसे दिलाया जाए। किसी के घर में दुखोत्पादक वस्तु, कंटक आदि फेंकने वाले पर 16 पण और शीघ्र प्राण हरण करने वाली वस्तु, विषधर सर्प आदि फेंकने पर मध्यम साहस 500 पण दंड देने का विधान है। शूद्र पशु को पीड़ा पहुंचाने वाले पर 2 पण, उसके शरीर से रुधिर निकाल देने वाले पर 4 पण, सिंग तोड़ने वाले पर 6 पण और अंग भंग करने वाले पर 8 पण दंड लगावे। शूद्र पशु का लिंग छेदन करने या उसको मार डालने पर मध्यम साहस का दंड दें और अपराधी से स्वामी को उस पशु का मूल्य दिलाएं। महान पशु, हाथी, घोड़े आदि के प्रति दुखोत्पादक आदि पूर्वोक्त अपराध करने पर शूद्र पशुओं की अपेक्षा दूना दंड जानना चाहिए। जिनकी डालियां काटकर अन्यत्र लगा दी जाने पर अंकुरित हो जाती हैं, वे बरगद आदि वृक्ष प्रहोही शाखी कहलाते हैं। ऐसे प्रहोही वृक्षों की तथा जिनकी डालियां अंकुरित नहीं होती परंतु जो जीविका चलाने के साधन बनते हैं, उन आम आदि वृक्षों की शाखा, स्कंद तथा मूल सहित समूचे वृक्ष का छेदन करने पर क्रमशः 20 पण, 40 पण और 80 पण दंड लगाने का विधान है। साहस प्रकरण। अब साहस नामक विवाद पद का विवेचन करने के लिए पहले उसका लक्षण बताते हैं।
सामान्य द्रव्य अथवा परकीय द्रव्य का बलपूर्वक अपहरण साहस कहलाता है। यहाँ ये कहा गया है कि राजदंड का उल्लंघन करके जनसाधारण के आक्रोश की कोई परवाह किए बिना राजकीय पुरुषों से भिन्न लोगों के सामने जो मारण अपहरण तथा परिस्त्री के प्रति बलात्कार आदि किया जाता है वो सब साहस की कोटि में आता है। जो दूसरों के द्रव्य का अपहरण करता है उसके ऊपर उस अपहर्त द्रव्य के मूल्य से दूना दंड लगाना चाहिए। जो साहस लूटपाट डकैती आदि कर्म करके उसे स्वीकार नहीं करता है, मैंने नहीं किया है ऐसा उत्तर देता है, उसके ऊपर वस्तु के मूल्य से चौगुना दंड लगाना उचित है। जो मनुष्य दूसरे से डकैती आदि साहस करवाता है उससे उस साहस के लिए कथित दंड से दूना दंड लेना चाहिए। जो ऐसा कहकर कि मैं तुम्हें धन दूंगा तुम साहस डकैती आदि करो दूसरे से साहस का काम कराता है उससे साहसिक के लिए नियत दंड की अपेक्षा चौगुना दंड वसूल करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष आचार्य आदि की निंदा या आज्ञा का उल्लंघन करने वाले भातृपत्नी भौजाई या भौजी पर प्रहार करने वाले प्रतिज्ञा करके न देने वाले किसी के बंद घर का ताला तोड़कर खोलने वाले तथा पड़ोसी और कुटुंबी जनों का अपकार करने वाले पर राजा 50 पण का दंड लगावे ये शास्त्र का निर्णय है। बिना नियोग के स्वेच्छापूर्वक विधवा से गमन करने वाले संकटग्रस्त मनुष्य के पुकारने पर उसकी रक्षा के लिए दौड़ कर न जाने वाले अकारण ही लोगों को रक्षा के लिए पुकारने वाले चांडाल होकर श्रेष्ठ जाति वालों का स्पर्श करने वाले दैव एवं पितृकार्य में सन्यासी को भोजन कराने वाले शूद्र अनुचित शपथ करने वाले अयोग्य अनाधिकारी होने पर भी योग्य अधिकारी के कर्म वेदाध्ययन आदि करने वाले बैल एवं शूद्र पशु बकरे आदि को बधिया करने वाले साधारण वस्तु में भी ठगी करने वाले तथा दासी का गर्भ गिराने वाले पर एवं पिता पुत्र बहन भाई पति पत्नी तथा आचार्य शिष्य ये पतित न होते हुए भी यदि एक दूसरे को त्याग करते हों तो इनके ऊपर भी 100 पण दंड लगावे। यदि धोबी दूसरों के वस्त्र पहने तो 3 पण और यदि बेचे तो भाड़े पर दे बंधक रखे या मंगनी दे तो 10 पण अर्थदंड के योग्य होता है। तोलन दंड शासन मान प्रस्थ द्रोण आदि तथा नाणक आदि से चिन्हित निष्क आदि इनमें जो कूटकारी मान के वजन में कमी बेशी तथा सुवर्ण में तांबे आदि की मिलावट करने वाला हो तथा उससे कूट तुला आदि व्यवहार करता हो उस दोनों को पृथक पृथक उत्तम साहस के दंड से दंडित करना चाहिए। सिक्कों की परीक्षा करते समय यदि पारखी असली सिक्कों को नकली या नकली सिक्कों को असली बतावे तो राजा उससे भी प्रथम साहस का दंड वसूल करे। जो वैद्य आयुर्वेद को न जानने पर भी पशुओं मनुष्यों और राज कर्मचारियों की मिथ्या चिकित्सा करे उसे क्रमशः प्रथम मध्यम और उत्तम साहस के दंड से दंडित करे। जो राजपुरुष कैद न करने योग्य निरपराध मनुष्यों को राजा की आज्ञा के बिना कैद करता है और बंधन के योग्य बंदी को उसके अभियोग का निर्णय होने के पहले ही छोड़ देता है उसे उत्तम साहस का दंड देना चाहिए। जो व्यापारी कूटमान अथवा तुला से धान कपास आदि पर्णद्रव्य का अष्टमांश हरण करता है वो 200 पर्ण के दंड से दंडनीय होता है। अपहर्त द्रव्य यदि अष्टमांश से अधिक या कम हो तो दंड में भी वृद्धि और कमी करनी चाहिए। औषधि धृत तेल लवण गंधद्रव्य धान्य और गुड़ आदि पण्य वस्तुओं में जो निस्सार वस्तु का मिश्रण कर देता है राजा उस पर 16 पण दंड लगावे। यदि व्यापारी लोग संगठित होकर राजा के द्वारा निश्चित किए हुए भाव को जानते हुए भी लोभवश कारू और शिल्पियों को पीड़ा देने वाले मूल्य की वृद्धि या कमी करें तो राजा उन पर 1000 पण का दंड लागू करे। राजा निकटवर्ती हो तो उनके द्वारा जिस वस्तु का जो मूल्य निर्धारित कर दिया गया हो व्यापारी गण प्रतिदिन उसी भाव से क्रय विक्रय करे उसमें जो बचत हो वही बनियों के लिए लाभकारक मानी गई है। व्यापारी देशज वस्तु पर 5% लाभ रखे और विदेशी द्रव्य को यदि द्रव्य शीघ्र ही क्रय विक्रय कर ले तो उस पर 10% लाभ ले। राजा दुकान का खर्च पण वस्तु पर रखकर उसका भाव इस प्रकार निश्चित करे जिससे क्रेता और विक्रेता को लाभ हो। विक्रिया संप्रदान प्रसंग प्राप्त साहस का प्रकरण समाप्त करके अब विक्रिया संप्रदान आरंभ करते हैं। नारद जी के वचनानुसार विक्रिया संप्रदान का स्वरूप इस प्रकार है। मूल्य लेकर पण्य वस्तु का विक्रय करके जब खरीदार को वो वस्तु नहीं दी जाती है तब वो विक्रिया संप्रदान बचकर भी वस्तु को न देना नामक विवादास्पद कहलाता है। विक्रय वस्तु चल और अचल के भेद से 2 प्रकार की होती है। फिर उसके 6 भेद किए गए हैं गणित तुलित मेय क्रियोपलक्षित रूपोपलक्षित और दीप्ति उपलक्षित। सुपारी के फल आदि गणित हैं क्योंकि वे गिनकर बेचे जाते हैं। सोना कस्तूरी और कैसर आदि तुलित हैं क्योंकि वे तौलकर बेचे जाते हैं। शाली अगहनी धान आदि मेय हैं क्योंकि वे पात्र विशेष से माप कर दिए जाते हैं। क्रियोपलक्षित वस्तु में घोड़े भैंस आदि की गणना है।
क्योंकि उनकी चाल और दोहन आदि की क्रिया को दृष्टि में रखकर ही उनका क्रय विक्रय होता है। रूपोपलक्षित वस्तु में पण्य स्त्री वैश्य आदि की गणना है, क्योंकि उनके रूप के अनुसार ही उनका मूल्य होता है। दीप्ति से उपलक्षित वस्तुओं में हीरा मोती मरकत और पद्मराग आदि की गणना है। इन छहों प्रकार की पण्य वस्तु को बेचकर मूल्य लेकर भी यदि क्रेता को वो वस्तु नहीं दी जाती तो विक्रेता को किस प्रकार दंडित करना चाहिए ये बताते हैं। जो व्यापारी मूल्य लेकर भी ग्राहक को माल न दे, उससे वृद्धि सहित वो माल ग्राहक को दिलाया जाए। यदि ग्राहक परदेश का हो तो उसके देश में ले जाकर बेचने से जो लाभ होता है उस लाभ सहित वो वस्तु राजा व्यापारी से ग्राहक को दिलवावे। यदि पहला ग्राहक माल में किसी प्रकार संदेह होने पर वस्तु को ना लेना चाहे तो व्यापारी उस बेची हुई वस्तु को भी दूसरे के हाथ बेच सकता है। यदि विक्रेता के देने पर भी ग्राहक न ले और वो पण्य वस्तु राजा या देव की बाधा से नष्ट हो जाए तो वो हानि क्रेता के ही दोष से होने के कारण वही उस हानि को सहन करेगा, बेचने वाला नहीं। यदि ग्राहक के मांगने पर भी उस बेची हुई पण्य वस्तु को बेचने वाला नहीं दे और वो पण्य द्रव्य राजा या देव के कोप से उपहत हो जाए तो वो हानि विक्रेता की होगी। जो व्यापारी किसी को बेची हुई वस्तु दूसरे के हाथ बेचता है अथवा दूषित वस्तु को दोष रहित बतलाकर बेचता है, राजा उस पर वस्तु के मूल्य से दुगुना अर्थ दंड लगावे। जानबूझकर खरीदे हुए पण्य द्रव्यों का मूल्य खरीदने के बाद यदि बढ़ गया या घट गया तो उससे होने वाले लाभ या हानि को जो ग्राहक नहीं जानता उसे अनुशय माल लेने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। विक्रेता भी यदि बढ़े हुए दाम के कारण अपने को लगे हुए घाटे को नहीं जान पाया है तो उसे भी माल देने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। इससे ये बात स्वतः स्पष्ट हो जाती कि खरीदी बिक्री के पश्चात यदि ग्राहक को घाटा दिखाई दे तो वो माल लेने में आपत्ति कर सकता है। इसी तरह विक्रेता उस भाव पर माल देने में यदि हानि देखे तो वो उस माल को रोक सकता है। यदि अनुशय न करने की स्थिति में क्रेता या विक्रेता अनुशय करे तो उन पर पण्य वस्तु के मूल्य का छठा अंश दंड लगाना चाहिए। संभुए समुत्थान। जो व्यापारी सम्मिलित होकर लाभ के लिए व्यापार करते हैं वे अपने नियोजित धन के अनुसार अथवा पहले के समझौते के अनुसार लाभ हानि में भाग ग्रहण करें। यदि उनमें कोई अपने साझेदारों के मना करने पर या उनके अनुमति न देने पर अथवा प्रमादवश किसी वस्तु में हानि करेगा तो क्षतिपूर्ति उसे ही करनी होगी। यदि उनमें से कोई पण्य द्रव्य की विप्लवों से रक्षा करेगा तो वो दशमांश लाभ का भागी होगा। पण्य द्रव्यों का मूल्य निश्चित करने के कारण राजा मूल्य का 20वां भाग अपने शुल्क के रूप में ग्रहण करें। यदि कोई व्यापारी राजा के द्वारा निषिद्ध एवं राजा उपयोगी वस्तु को लाभ के लोभ से किसी दूसरे के हाथ बेचता है तो राजा उससे वो वस्तु बिना मूल्य दिए ले सकता है। जो मनुष्य शुल्क स्थान में वस्तु का मिथ्या परिमाण बतलाता है अथवा वहां से खिसक जाने की चेष्टा करता है तथा जो कोई बहाना बनाकर किसी विवादास्पद वस्तु का क्रय विक्रय करता है, इन सब पर पण्य वस्तु के मूल्य से 8 गुना दंड लगाना चाहिए। यदि संघबद्ध होकर काम करने वालों में से कोई देशांतर में जाकर मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसके हिस्से के द्रव्य को दायद पुत्र आदि बांधव मातुला आदि अथवा ज्ञाति सजातीय सपिंड आकर ले लें। उनके ना होने पर उस धन को राजा ग्रहण करे। संघबद्ध होकर काम करने वालों में जो कुटिल या वंचक हो उसे किसी तरह का लाभ दिए बिना ही संघ से बाहर कर दें। उनमें से जो अपना कार्य स्वयं करने में असमर्थ हो वो दूसरे से करावे। होता आदि ऋत्विजों किसानों तथा शिल्प कर्मोपजीवी नट नर्तकादियों के लिए भी रहन सहन का ढंग उपर्युक्त कथन से स्पष्ट कर दिया गया है। अस्तेय प्रकरण। अब अस्तेय अथवा चोरी के विषय में बताया जाता है। मनु जी ने साहस और चोरी में अंतर बताते हुए लिखा है, जो द्रव्य रक्षकों के समक्ष बलात् पराया धन को लूट लेता है वो साहस या डकैती है, तथा जो पराया धन स्वामी की दृष्टि से बचकर या किसी को चकमा देकर हड़प लिया जाए तथा मैंने ये कर्म किया है ये बात भय के कारण छिपाई जाती है, किसी पर प्रकट नहीं होने दी जाती, वो सब अस्तेय चोरी कर्म है। चोर को कैसे पकड़ना चाहिए ये बात बता रहे हैं। किसी के यहाँ चोरी होने पर ग्राहक राजकीय कर्मचारी या आरक्षा विभाग का सिपाही ऐसे व्यक्ति को पकड़े जो लोगों में चोरी के लिए विख्यात हो, जिसे सब चोर कहते हैं, अथवा जिसके पास चोरी का चिन्ह चोरी गया हुआ माल मिल जाए उसे पकड़े, अथवा चोरी के दिन से ही चोर के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए पता लग जाने पर उस चोर को बंदी बनावे। जो पहले भी चोर कर्म का अपराधी रहा हो तथा जिसका कोई शुद्ध निश्चित निवास स्थान न हो ऐसे व्यक्ति को भी संदेह में कैद करें। जो पूछने पर अपनी जाति और नाम आदि को छिपावे। जो दूत कीड़ा वैश्यागमन और मद्यपान में आसक्त हो। चोरी के विषय में पूछने पर जिसका मुंह सूख जाए और स्वर विकृत हो जाए। जो दूसरों के धन और घर के विषय में पूछते फिरे।
जो गुप्त रूप से विचरण करें, जो आय न होने पर भी बहुत व्यय करने वाले हों, तथा जो विनष्ट द्रव्यों, फटे पुराने वस्त्रों और टूटे फूटे बर्तन आदि को बेचते हों, ऐसे अन्य लोगों को भी चोरी के संदेह में पकड़ लेना चाहिए। जो मनुष्य चोरी के संदेह में पकड़ा गया हो, वो यदि अपनी निर्दोषिता को प्रमाणित न कर सके तो राजा उससे चोरी का धन दिलाकर उसे चोर का दंड दे। राजा चोर से चोरी का धन दिलाकर उसे अनेक प्रकार के शारीरिक दंड देते हुए मरवा डाले। ये दंड बहुमूल्य वस्तुओं की भारी चोरी होने पर भी देने योग्य है, किंतु यदि चोरी करने वाला ब्राह्मण हो तो उसके ललाट में दाग देकर उसको अपने राज्य से निर्वासित कर दे। यदि गांव में मनुष्य आदि किसी प्राणी का वध हो जाए अथवा धन की चोरी हो जाए और चोर के गांव से बाहर निकल जाने पर कोई चिन्ह न दिखाई दे तो सारा दोष ग्रामपाल पर आता है, वही चोर को पकड़कर राजा के हवाले करे। यदि ऐसा ना कर सके तो जिसके घर में धन की चोरी हुई है उस गृहस्वामी को चोरी का सारा धन अपने पास से दे। यदि चोर के गांव से बाहर निकल जाने का कोई चिन्ह वो दिखा सके तो जिस भूभाग में चोर का प्रवेश हुआ है उसका अधिपति ही चोर को पकड़वावे अथवा चोरी का धन अपने पास से दे। यदि विविध स्थान में अपहरण की घटना हुई है तो विविध स्वामी का ही सारा दोष है। यदि मार्ग में या विविध स्थान से बाहर दूसरे क्षेत्र में चोरी का कोई माल मिले या चोर का ही चिन्ह लक्षित हो तो चोर पकड़ने के काम पर नियुक्त हुए मार्गपाल का अथवा उस दिशा के संरक्षक का दोष होता है। यदि गांव से बाहर किंतु ग्राम की सीमा के अंदर के क्षेत्र में चोरी आदि की घटना घटित हो तो उस ग्राम के निवासी ही क्षतिपूर्ति करें। उन पर यह उत्तरदायित्व तभी तक आता है जब तक चोर का पद चिन्ह सीमा के बाहर गया हुआ नहीं दिखाई देता। यदि सीमा के बाहर गया दिखाई पड़े तो जिस ग्राम आदि में उसका प्रवेश हो वहीं के लोग चोर को पकड़वाने और चोरी का माल वापस देने के लिए जिम्मेदार हैं। यदि अनेक गांवों के बीच में एक कोस की सीमा से बाहर हत्या और चोरी की घटना घटित हुई हो और अधिक जनसमूह की दौड़ धूप से चोर का पद चिन्ह मिट गया हो तो 5 गांव के लोग अथवा 10 गांव के लोग मिलकर चोर को पकड़वाने तथा चोरी का माल वापस देने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लें। बंदी को गुप्त रूप से जेल से छुड़ाकर भगा ले जाने वाले, घोड़ों और हाथियों की चोरी करने वाले तथा बलपूर्वक किसी की हत्या करने वाले लोगों को राजा शूली पर चढ़ा दे। राजा वस्त्र आदि की चोरी करने वाले और गठरी आदि काटने वाले चोरों के प्रथम अपराध में क्रमशः अंगुष्ठ और तर्जनी कटवा दे और दूसरी बार वही अपराध करने पर उन दोनों को क्रमशः 1 हाथ तथा 1 पैर से हीन कर दे। जो मनुष्य जानबूझकर चोर या हत्यारे को भोजन, रहने के लिए स्थान, सर्दी में तापने के लिए अग्नि, प्यासे हुए को जल, चोरी करने के तौर तरीके की सलाह, चोरी के साधन और उसी कार्य के लिए परदेश जाने के लिए मार्ग व्यय देता है उसको उत्तम साहस का दंड देना चाहिए। दूसरे के शरीर पर घातक शस्त्र से प्रहार करने तथा गर्भवती स्त्री के गर्भ गिराने पर भी उत्तम साहस का ही दंड देना उचित है। किसी भी पुरुष या स्त्री की हत्या करने पर उसके शील और आचार को दृष्टि में रखते हुए उत्तम या अधम साहस का दंड देना चाहिए। जो पुरुष की हत्या करने वाली तथा दूसरों को जहर देकर मारने वाली है ऐसी स्त्री के गले में पत्थर बांधकर उसे पानी में फेंक देना चाहिए, परंतु यदि वो गर्भवती हो तो उस समय उसे ऐसा दंड न दे। विष देने वाली, आग लगाने वाली तथा अपने पति, गुरु या संतान को मारने वाली स्त्री को कान, हाथ, नाक और होठ काटकर उसे सांडों से कुचलवा कर मरवा डाले। खेत, घर, वन, ग्राम, रक्षित भूभाग अथवा खलिहान में आग लगाने वाले या राजपत्नी से समागम करने वाले मनुष्य को सूखे नरकुल या सरकंडों के तिनकों से ढककर जला दे। स्त्री संग्रहण। अब स्त्री संग्रहण नामक विवाद पर विचार किया जाता है। पराय स्त्री और पराय पुरुष का मिथुनी भाव, परस्पर आलिंगन स्त्री संग्रहण कहलाता है। दंडनीयता की दृष्टि से इसके 3 भेद हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। अयोग्य देश और काल में, एकांत स्थान में, बिना कुछ बोले चाले पराय स्त्री को कटाक्ष पूर्वक देखना और हास्य करना प्रथम साहस माना गया है। उसके पास सुगंधित वस्तु, इत्र, फुलेल आदि, फूलों के हार, धूप, भूषण और वस्त्र भेजना तथा उन्हें खाने पीने का प्रलोभन देना मध्यम साहस कहा गया है। एकांत स्थानों में एक साथ एक आसन पर बैठना, आपस में सटना, एक दूसरे के केश पकड़ना आदि को उत्तम संग्रहण या उत्तम साहस माना गया है। संग्रहण के कार्य में प्रवृत्त पुरुष को बंदी बना लेना चाहिए, ये बात निम्नांकित श्लोक में बता रहे हैं। केश ग्रहण पूर्वक पर स्त्री के साथ क्रीड़ा करने वाले पुरुष को व्यभिचार के अपराध में पकड़ना चाहिए। सजातीय नारी से समागमन करने वाले को 1,000 पण, अपने से नीच जाति की स्त्री से संभोग करने वाले को 500 पण एवं उच्च जाति की नारी से संगम करने वाले को वध का दंड दें और ऐसा करने वाले स्त्री के नाक, कान आदि कटवा डालें। जो पुरुष पर स्त्री की नीवी, कटिवस्त्र, स्तन, कंचुकी, नाभि और केशों का स्पर्श करता है, अनुचित देशकाल में संभाषण करता है अथवा उसके साथ एक आसन पर बैठता है,
उसे भी व्यभिचार के दोष में पकड़ना चाहिए। जो स्त्री मना करने पर भी परपुरुष के साथ संभाषण करे उसको सौपर्ण, जो पुरुष निषेध करने पर भी पर स्त्री के साथ संभाषण करे तो उसे 200 सौपर्ण का दंड देना चाहिए। यदि वे दोनों मना करने के बाद भी संभाषण करते पाए जाएं तो उन्हें व्यभिचार का दंड देना चाहिए। पशु के साथ मैथुन करने वाले पर 100 सौपर्ण तथा नीच जाति की स्त्री या गौ से समागम करने वाले पर 500 सौपर्ण का दंड करें। किसी की अवरुद्धा, खरीदी हुई दासी तथा रखेल स्त्री के साथ उसके समागम के योग्य होने पर भी समागम करने वाले पुरुष पर 50 पण का दंड लगाना चाहिए। दासी के साथ बलात्कार करने वाले के लिए 10 पण का विधान है। चांडाली या सन्यासिनी से समागम करने वाले मनुष्य के ललाट में भग का चिन्ह अंकित करके उसे देश से निर्वासित कर दे। प्रकरणिक प्रकरण, जो मनुष्य राजाज्ञा को न्यूनाधिक करके लिखता है अथवा व्यभिचारी या चोर को छोड़ देता है, राजा उसे उत्तम साहस का दंड दे। ब्राह्मण को अभक्ष पदार्थ का भोजन करा के दूषित करने वाला उत्तम साहस के दंड का भागी होता है। कृत्रिम स्वर्ण का व्यवहार करने वाले तथा मांस बेचने वाले को 1000 पण का दंड दे और उसे नाक, कान और हाथ इन तीनों अंगों से हीन कर दे। यदि पशुओं का स्वामी समर्थ होते हुए भी अपने दाढ़ों और सिंगों वाले पशुओं से मारे जाते हुए मनुष्य को छुड़ाता नहीं है तो उसको प्रथम साहस का दंड दिया जाना चाहिए। यदि पशु के आक्रमण का शिकार होने वाला मनुष्य जोर जोर से चिल्ला कर पुकारे कि अरे मैं मारा गया, मुझे बचाओ, उस दशा में भी यदि पशुओं का स्वामी उसके प्राण नहीं बचाता तो वो दूने दंड का भागी होता है। जो अपने कुल में कलंक लगने के डर से घर में घुसे हुए जार पर स्त्री लंपट को चोर बताता है अर्थात चोर चोर कहकर निकालता है, उस पर 500 पण का दंड लगाना चाहिए। जो राजा को प्रिय न लगने वाली बात बोलता है, राजा की ही निंदा करता है तथा राजा की गुप्त मंत्रणा का भेदन करता, शत्रुपक्ष के कानों तक पहुंचा देता है, उस मनुष्य की जीभ काटकर उसे राज्य से निकाल देना चाहिए। मृतक के अंग से उतारे गए वस्त्र आदि का विक्रय करने वाले, गुरु की ताड़ना करने वाले तथा राजा की सवारी और आसन पर बैठने वाले को राजा उत्तम साहस का दंड दे। जो क्रोध में आकर किसी की दोनों आंखें फोड़ देता है, उस अपराधी को जो राजा के अनन्य हित चिंतकों में ना होते हुए भी राजा के लिए अनिष्ट सूचक फलादेश करता है, उस ज्योतिषी को तथा जो ब्राह्मण बनकर जीविका चला रहा हो उस शूद्र को 800 पण के दंड से दंडित करना चाहिए। जो मनुष्य न्याय से पराजित होने पर भी अपनी पराजय न मानकर पुनः न्याय के लिए उपस्थित होता है, उसको धर्म पूर्वक पुनः जीत कर उसके ऊपर दुगुना दंड लगावे। राजा ने अन्याय पूर्वक जो अर्थ दंड लिया हो उसे 30 गुना करके वरुण देवता को निवेदन करने के पश्चात स्वयं ब्राह्मण को बांट दे। जो राजा धर्म पूर्वक व्यवहारों को देखता है उसे धर्म, अर्थ, कीर्ति, लोक पंक्ति, उपग्रह, अर्थ संग्रह, प्रजाओं से बहुत अधिक सम्मान और स्वर्गलोक में सनातन स्थान, ये 7 गुण प्राप्त होते हैं।